आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने पुलिस कप्तान से मांगी जानकारी, अभी तक कितने शस्त्र जमा हुए, कितने नहीं हुए और जो जमा नहीं हो उनके लाइसेंस होंगे तत्काल निरस्त। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि भिंड जिले के जिन आर्म्स लाइसेंस द्वारा अपने शस्त्र आज 25 नवंबर तक जमा नहीं किए गए और आर्म्स लाइसेंसियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से नष्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस कप्तान भिंड से ऐसे शेष रहे समस्त आर्म लाइसेंसियों की जानकारी मांगी गई है जिनके द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं किए गए, उन समस्त आर्म लाइसेंसियों की जानकारी प्राप्त होने पर शस्त्र लाइसेंस नष्ट किए जाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाएगी। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिंड जिला अंतर्गत समस्त आर्म्स लाइसेंस निलंबित किए जाकर संबंधित आर्म्स लाइसेंसियों को अपने शस्त्र संबंधित थाना एवं वैध आर्म डीलरों की सेफ कस्टडी में तत्काल रूप से जमा कराए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। समय सीमा निकल जाने के बाद जिन लाइसेंसियों द्वारा शस्त्र जमा नहीं किए गए उनके विरुद्ध लाइसेंस नष्ट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन प्राप्ति के तीसरे दिन 3 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। अटेर भिंड लहार विधानसभा क्षेत्र से एक एक नामांकन पत्र जमा हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे नामांकन पत्र। 28 एवं 29 अक्टूबर को शासकीय अवकाशों में नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होने के बाद से नामांकन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। आज तीसरे दिन अटेर भिंड लहार विधानसभा क्षेत्र से एक एक नामांकन पत्र जमा हुआ। नामांकन पत्र 30 अक्टूबर तक जमा सोमवार तक जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्र प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की संविचा 31 अक्टूबर मंगलवार को होगी और इच्छुक प्रत्याशी 2 नवंबर गुरुवार तक नाम वापस ले सकेंगे। शनिवार 28 से रविवार 29 अक्टूबर को शासकीय अवकाशों में नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। आज नामांकन के तीसरे दिन अटेर भिंड लहार विधानसभा से एक एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त महगांव गोवद विधानसभा के लिए कोई भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर मतदान कर सकेंगे 12 वैकल्पिक फोटोग्राफी फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी मतदान किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर ने आर्म लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 शस्त्र तत्काल लाइसेंस निलंबित किए। जिला कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिंड के प्रतिवेदन पर से अयोध्या अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b) में नियत प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म लाइसेंस जयपाल सिंह गुर्जर पुत्र राम प्रकाश सिंह उर्फ प्रकाश सिंह निवासी बालाजी नगर भिंड, गुड्डू उर्फ सत्य प्रकाश शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बिलाव थाना उमरी, यशापाल सिंह भदौरिया पुत्र रूप सिंह भदौरिया निवासी कोट कनावर थाना उमरी जिला भिंड के नाम शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को धमकाने, हत्या करने, आर्म्स लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन, शर्तों के बिना किसी उद्देश्य से प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने की कोशिश की गई थी, उनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज है। इस संबंध में पुलिस कप्तान भिंड के प्रतिबंध पर कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनिशन में जमा रखा जाएगा। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जब्त होंगे ऑपरेटर के उपकरण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए किए जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश अनुसार केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जब्त किया जा सकता है। राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुपिक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा प्रमाणित राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने केबल ऑपरेटर द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। बिना अनुमति कार्यक्रम सभा प्रदर्शन नहीं होगा। जिले में तलवार लाठी फरसा आज जैसे हथियार प्रदर्शन पर भी पूर्णतः रोक लगी हुई है। कोलाहल नियंत्रण के दृष्टिगत संपूर्ण जिला साइलेंस जोन घोषित। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चुनावी प्रचार प्रसार की होगी सतत मॉनिटरिंग। 3 पालियों में 24 घंटे रखी जा रही है विज्ञापन पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नजर। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर आपत्तिजनक संदेश डालने पर होगी कार्रवाई। जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश क्रियाशील। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले संदेशों की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की भी होगी। सेक्टर ऑफिसर एवं मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 26 अक्टूबर को जिला पंचायत सभागार में दिया जाएगा।